सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। बिग बॉस का सीजन 13 काफी ज्यादा सफल सीजन रहा है और शो के कंटेस्टेंट्स के नाम अभी भी लोगों को याद हैं, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, आसिम रियाज और अन्य कई सारे कंटेस्टेंट्स जो कि अभी तक भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने रहे हैं। बिग बॉस इस समय सीजन 14 के साथ फिर से चर्चाओं में है। वही आपको ये बता दें कि अब शहनाज गिल ने एक कमेंट कर दिया है बिग बॉस सीजन 14 पर उनके विनर पर। क्या कुछ कहा है उन्होंने बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। भाई बिग बॉस सीजन 14 के बारे में बात करते हुए शहनाज कौर गिल ने कहा, मुझे नहीं पता कि सीजन को कौन जीतेगा, मैं वास्तव में नहीं जानती कि कौन जीत पाएगा। इस बार मुझे तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी मंच पर ही रह जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं कंटेस्टेंट्स के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसमें मुझे किसका नाम लेना चाहिए मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। शहनाज अपनी लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी रहती हैं, वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अब उनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि बिग बॉस सीजन 14 के एक भी कंटेस्टेंट ट्रॉफी के आसपास नहीं लग रहे हैं शहनाज कौर गिल को, और उनका मानना तो यही है कि इस बार तो ट्रॉफी लग रहा है स्टेज पर ही रह जाएगी क्योंकि कंटेस्टेंट्स में दम नहीं लग रहा है, और दूसरी बात शहनाज किसी भी कंटेस्टेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। भाई क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी कोई भी ले जाने लायक नहीं है? अगर कोई ले जाने लायक है तो वो कौन है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं। शहनाज के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे ये भी बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इंट्रो न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।